जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही आनंद आ रहा है और सभी जो श्रोतागण बैठे हुए हैं बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। हर कलाकार को बारीकी से सुन रहे हैं और यही सच्चे श्रोताओं की पहचान होती है। क्योंकि भैया जी, बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी है, दो बजने को है और भैया जी कवि ने लिखा कैसे, कि एक दिनों की बात सखी और श्याम लला मेरे घर आयो, आज मैंने तो जानो कोई ब्रज को सखा, तो जल्दी से घूंघट पट सर कायो। लेकिन कहा गया कि इतने में वो चले जो गए और दूजी सखी ने मोए आई बतायो, आज आग लगे या बैरन लाज में, तो अखियां भर श्याम मोए देखनाए पायो। प्रेमी सजनों, ये साल आप सभी को विदित है कितना कष्टदायी साल गया है और जाने वाला भी है। बड़े ही कष्टों बाद ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चालू हुई है, लोगों को गिरिराज जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और हमारे राजेश अंकल जी भी आए, मथुरा से ब्रज नगरी है। तो एक बात सुनाना चाहूंगी, बड़ी सुंदर बात। बंबई वालों ने एक तर्ज निकाली, बड़ी पुरानी तर्ज, आपके दिल को जरूर छुएगी भैया जी। क्या कहा, क्या और कर लो मेरा हो, सुनिएगा बड़ी सुंदर बात। कौन सी तर्ज है बंबई वालों की, और कर लो मेरा और एतबार चलो, क्या चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, जरूर छुएगी। मथुरा नगरी की, वृंदावन नगरी की बात कैसे, 84 कोसों की भैया, 84 कोसों की लगावे जो परिक्रमा, 84 कोसों की लगावे जो परिक्रमा, देखने वृंदावन में, देखने वृंदावन में चलो टेढ़े खम्मा। क्यों भैया, बड़ी सुंदर बात। अगर बात अच्छी लगे सुस्ती को खोलते प्यार से तालियों का सम्मान चाहूंगी। कैसे, देखने वृंदावन में चलो टेढ़े खम्मा, और कहीं तो मिलेंगे हो, घनश्याम चलो। कहां पर भैया, कहीं तो मिलेंगे
क्षेत्र की बात, और मैं चाहूंगी जयकारे के साथ आनंद लेना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और इसी बीच 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी राजेश जी दे रहे हैं, जो मथुरा से पधारे हैं। बार बार धन्यवाद इनके लिए। भैया कैसे कहा सुनिएगा, ये नंदगाम परेशानो, मंच पर आ जाइए भैया और सुंदर होगा। अच्छा मैं ही आ जाऊं? बिल्कुल। कहा कैसे? जवाब दिया, ए ये नंदगाम परेशानो, देखो राधा प्यारी को। और ये क्या रुपए का सम्मान पिंटू साहब सिंह जी शेखपुरा निवासी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद इनके लिए। कहा क्या? ये नंदगाम परेशानो, हो देखो राधा प्यारी को। और विजेंद्र चाचा हमारो नंबर आयो जब तुम 50 में आएंगे, जब दे तुम 100-100। अच्छा ये विजेंद्र चाचा बिल्कुल साहब, मैं जब दे ढूंढनी पर पा ना रहे। इसी बीच 100 रुपए का सम्मान विजेंद्र चाचा जी, और 51 रुपए का सम्मान रामवीर जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। और 51 रुपए का सम्मान सुंदर सिंह जी दे रहे, तहसील कर्मचारी, बार बार धन्यवाद इनके लिए। कहा क्या? सुनिएगा, ए ये नंदगाम बरसानो, हो देखो राधा प्यारी को। और बड़े बूढ़े कहते एक बात को, क्या भैया? अरे नहबो यमुना मैया को। 51 रुपए का सम्मान हमारे चाचा जी दे रहे ताऊ जी, बार बार धन्यवाद इनके लिए। कहा कैसे? ए और नहबो यमुना मैया को, वृंदावन रास बिहारी को। नहबो यमुना मैया को, वृंदावन रास बिहारी को। तीरथ बार बार पर ब्रज को तीरथ एक बार रे, सबरे तीरथ बार बार पर ब्रज को तीरथ एक बार। ब्रज का तीरथ एक बार क्यों बतलाया है? सुनिएगा, क्या बताया? अरे ब्रज को तीरथ एक बार और सबरे तीरथ बार बार, क्यों बताया? इसमें राधा मोहन रमते हैं पात पात और डार डार रे, राधा मोहन रमते हैं। भैया गौरव, और ढूंढने
साथी प्रेमी सजनों, अब अपने ध्यान को लगाएंगे जहां पर मैंने प्रसंग छोड़ा था। प्रसंग मेरा वही है, चंद्रगुप्त राजा ने मदन सेन के लिए 12 वर्ष का देश नकारा दे दिया। मदन सेन अपनी पत्नी रानी चंद्रप्रभा को लेकर के बियाबान जंगलों में आ जाता है। आज जैसे बियाबान जंगलों में आया, आराम कर रहे हैं वो दोनों, लेकिन रानी चंद्रप्रभा के लिए प्रेमी सज्जनों के सर्प ने डस लिया। जैसे ही सर्प ने डसा भैया जी, रानी चंद्रप्रभा दहाड़े मार करके रोने लगी, करुण क्रंदन करने लगी, लेकिन रानी चंद्रप्रभा की सर्प के काटने से मृत्यु हो जाती है। प्रेमी सज्जनों, जैसे मृत्यु हुई, मदन सेन दहाड़े मार करके रो रहा है, चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है, कहा है मेरी भार्या, तू मेरी सेवा करने के लिए आई थी, मेरा साथ देने के लिए आई थी, आज तू ही मुझसे दगा कर गई, छल कर गई, ऐसा क्यों? सजनों, रो रहा है रानी चंद्रप्रभा की लाश को गोदी में लेकर के वो मदन सेन। सुनिएगा भला क्या होने लगा भैया। और ले गोदी में लाश हो, और ले गोदी में लाश, और जिगर ते लगाई लई रानी। ए मेरी रानी, और जिगर ते लगाए लई रानी, और गंगा किसी धार धर के रायते नन दे पानी। Oh,
ऐसे रोने लगा वो मदन सेन। एक एक लकड़ी को इकट्ठा कर रहा है चिता बनाने के लिए। चिता को बना करके तैयार कर दिया। केवल उस चिता के अंदर मदन सेन अपनी पत्नी को लेकर के बैठ भी जाता है। उस चिता में केवल अग्नि लगाने की देरी है। और भैया जी होता क्या है सुनिएगा। कहा गया और नहस जान ले लई गोदी में। क्या कर रहा है वो मदन सेन। लहस जान ले लई गोदी में के आप रहे हो न सोदी में। लेकिन भैया गौरव होने क्या लगा आखिरकार मदन सेन ने किया क्या। सुनिएगा प्रेमी श्रोताओं कथा मोड़ लेती है ऐसे। आज धर्म में मदन सेन जैसे उस चिता के अंदर बैठ गया अग्नि लगाने की देरी है। जिस बियाबान जंगल में चिता बना करके मदन सेन बैठा हुआ है उसी बियाबान जंगल में भ्रमण करते हुए घूमते हुए शिव और पार्वती जा रहे थे। मदन सेन पहले से ही चिल्ला चिल्ला करके रो रहा था। जैसे रोने की आवाज उमा जी ने पार्वती ने सुनी। लेकिन बताया श्रोताओं जोर की जाने चीख सुनी। जोर की जाने चीख सुनी। थम गई शैल कुमारी है और ध्यान उमा को गयो वहां पे जहां हूक उठे बड़ी भारी है। हाथ जोड़ के कहे पार्वती निक रुक जाओ डमरू बारे और यहां रुदन किए काम करारे। जैसे ही पार्वती ने कहा हे प्राणनाथ इस बियाबान जंगल के अंदर किसी दुखिया की रोने की आवाज आखिरकार ये दुखी इंसान है कौन। बोले बाबा कह रहे पार्वती ये संसार सागर है इसमें कोई हंसता है कोई रोता है हमें किसी से क्या लेना देना। लेकिन त्रिया हट सुनिएगा क्या कहने लगी पार्वती। और ये तो रोबे छाती फाड़ गिरो या पे हो ये तो रोबे छाती फाड़ गिरो या पे और पहाड़ी अरे त्रिपुरारी और मुए तो ऐसी। पार्वती कह रही है इस बात को भोलेनाथ से कि महाराज मुझे कैसा लगता है। अरे मुए तो ऐसी और मुए तो ऐसी अरे लग रही कि मर गई है घर
भैया जी क्या, अरे सुन ले भोलेनाथ जोर रही क्या, और हाथ जगत के मुखिया, और या थे ज्यादा या थे ज्यादा दुनिया में बोए कोई ना दिखे दुखिया, श्रोता बंधुओं थोड़ी सी बढ़ा रही हूं सर, सुनिएगा। आज जैसे ही पार्वती ने कहा कि स्वामी ये कोई दुखी इंसान है जो इन बियाबान जंगलों में रो रहा है, भोले बाबा बार बार पार्वती को समझा रहे, पार्वती अपनी जिद छोड़ दे, क्यों भोला कहे तू सुन पार्वती, भोला कहे तू सुन पार्वती, ई अकल नहीं तेरी दुनिया में, और कितने मरते कितने जीते रोजाना या दुनिया में, तू तो सबकी करे सिफारिश, तू तो सबकी करे सिफारिश, और नहीं ज्ञान विधि को तोकू, और पार्वती यहाँ आए फित रुप जाएगी। जब ये जवाब दिए, लेकिन पार्वती अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सुनिएगा अंतिम बात क्या हुआ। और कहे पार्वती तुम यहीं रहो, हे भोलेनाथ अगर आपको मेरे साथ नहीं चलना है तो मत चलिए, लेकिन मैं क्या करूंगी, सुनिए। पार्वती तुम यहीं रहो, और मैं तो याते मिलवे जाऊंगी, मैं तो याते मिलवे जाऊंगी, और जब तक यहाँ पे, जब तक यहाँ पे कष्ट पड़ेगो मैं तो नहीं लौट के आऊंगी। ओ भोला रे, मन की सी में कर दंगो के लखनियों बर के